नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज मैं जो है झारखंड का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, भूगर्भिक संरचना। इसमें जो है मेंस की नज़र से आप इसे देखिएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। हालांकि मेंस के लिए पूरा आंसर नहीं है, ये प्रोटोटाइप जैसे होता है, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं वो है। फिलहाल आप इसे देख सकते हैं, इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको, किस तरीके से आप जो है आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और साथ ही किस प्रकार से टॉपिक वाइज इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चतुर्थकालीन जलोढ़ निक्षेप तक पाया जाता है। तो अगर आप इसको मेंस के नज़र से लिखेंगे तो इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं कि झारखंड प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ पे अति प्राचीन चट्टान से लेकर हर क्रम के चट्टानों का विकास हुआ है। तो उसी में आप बताएंगे यहाँ पे प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टान से लेकर नवीन चतुर्थकालीन जलोढ़ निक्षेप तक पाया जाता है, इस प्रकार से भूमिका बनाएंगे आप। उसके बाद एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि झारखंड में भूगर्भिक संरचना का काल क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। एक स्ट्रक्चर बनाकर हम दिखा सकते हैं, इस प्रकार से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्रम की चट्टानें झारखंड में पाई जाती है। आर्कियन, युगीन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद आप दूसरा में दिखाइए विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरा में गुंडवाना श्रेणी की चट्टानें, चौथा में राजमहल ट्रैप एवं दक्षिण लावा की चट्टानें और पाँचवा में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन देंगे हर किसी का। तो पहला देखिए आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़, ये तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन आपको किस प्रकार से लिखना है कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि यह चट्टान जो है पैतृक चट्टान है जिससे झारखंड की संरचना का निर्माण हुआ है। ये झारखंड के लगभग 90% भाग में विस्तृत है। इसमें जो है ग्रेनाइट कहीं कहीं नीस में परिवर्तित हो गई है। इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है और कौन कौन से खनिज है उसको दर्शाइए। उसके बाद ये कहाँ तक विस्तृत है, तो झारखंड में इसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में होता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की महत्वपूर्ण खनिजें यहाँ पाई जाती है, जैसे कि लोहा, जितने भी धातु टाइप की चीज़ें होती है, लोहा, एल्युमिनियम, इस तरीके की इस क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो ये सभी आप दिखा दीजिए। उसके बाद आता है दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें जो है ये परत दर परत पाई जाती है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डेरोलाइट, चूना पत्थर, ये सभी चट्टानें इसमें सम्मिलित होती है। झारखंड में इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से आप बताइए, इसका विस्तार बहुत विस्तृत क्षेत्र में नहीं है। ये केवल सोन नदी की श्रेणी के अंतर्गत गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें जो है ये दामोदर घाटी के तलछट से बनी हुई चट्टानें हैं, जिसमें बलुआ पत्थर और कोयला की परतें पाई जाती हैं। जब भूखंडों का विचलन होता है तब उसके बीच की भूमि धस जाती है और घाटी का निर्माण होता है। ये कहाँ पे है, उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह की और राजमहल की पहाड़ियों में ऐसी चट्टानों का निर्माण हुआ है। झारखंड का ये प्रमुख कोयला निक्षेप है, यहाँ से कोयला का निक्षेप होता है। पश्चिमी क्षेत्र में यह हुट्टार और पूर्व में झरिया तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप एवं दक्षिण लावा की चट्टानें। तो इसका निर्माण जो है लावा के बहने से राजमहल में लावा के बहने से इस प्रकार की क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चला उससे दक्कन लावा बना है। तो लावा बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है और रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चला उससे दक्कन लावा बना। ये भी अब क्षयी होकर लेटराइड और बॉक्साइड में बन गई है। तो चूंकि झारखंड बहुत पुराना क्षेत्र है तो अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय होकर ये लेटराइड और बॉक्साइड में बन गई है और पाट क्षेत्र साहिबगंज का उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार मिलता है तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। पलामू, गढ़वा, लोहरदगा व गुमला के पाट क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये गुमला, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला को पाट क्षेत्र कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर लगभग औसतन है। अब नेक्स्ट है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में कौन क्या हो जाएगा कि नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है।
तो झारखंड की नदियाँ देखिए बरसाती किस्म की नदियाँ हैं, यहाँ उतनी जो है काट छाट नहीं होता है क्योंकि झारखंड जो है पुराना क्षेत्र है, इसकी घाटियाँ जो है ऑलरेडी कट चुकी है। लेकिन जहाँ पे गंगा नदी का क्षेत्र है, कहीं कहीं सोन नदी की घाटी है, वहाँ पे जो है नदियाँ बाढ़ के माध्यम से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करते रहती है। तो इसलिए नवीनतम जलोढ़ निक्षेप झारखंड में बहुत अधिक नहीं है। ये राजमहल के पूर्वी भाग, सोन नदी घाटी और स्वर्ण रेखा की निचली घाटी में ही पाई जाती है। तो ये सभी जो है चट्टानों का आपने देख लिया कितने प्रकार की होती है। और अगर आपको इसका विस्तृत नोट्स चाहिए तो आप मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स परचेज कर सकते हैं। और आपको परचेज करना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको PDF के फॉर्म में, डेली बेसिस पे शेयर किया जाएगा जैसे जैसे रेडी होता चला जाएगा। इसमें पेपर 3, 4, 5, 6 के पेपर शामिल है और लैंग्वेज पेपर में खोटा, सिर्फ खोटा मिलेगा आपको और कोई भी लैंग्वेज नहीं मिलेगी। डेली क्वेश्चन और आंसर जो है आपको ईमेल के माध्यम से या फिर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।